इसको हम देख लिए, क्रिप्टोग्राफी मतलब क्या हो गया, क्रिप्टोग्राफी मतलब कोड कूट लेखन, जो चीज बातों को कूट में लिखा हुआ रहता है, कोड में लिखा हुआ रहता है उसको हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। आपको एक एक वर्ड इसके भी पता होगा इससे रिलेटेड, जैसे हम बोलते हैं कॉलीग्राफी, कॉलीग्राफी, कॉलीग्राफी मतलब क्या हो गया, ग्राफी दैट मीन्स राइटिंग, ग्राफी मतलब होता है लिखना, ठीक है, जो बातें लिखा जाता है उसको हम लोग ग्राफी बोलते हैं, ग्राफी मतलब लिखना होता है, हम लोग बोले कॉलीग्राफी, कॉलीग्राफी का मतलब क्या हो गया, कॉली दैट मीन्स ये अच्छा साउंड देगा, सुंदर सा, ठीक है ना, सुंदर, कॉल वर्ड जो आएगा ये कोई चीज अच्छी बातें को बताएगा, ये जो रूट होता है कॉल का कोई अच्छी बातें को बताता है, तो कॉलीग्राफी का मतलब क्या हो गया, सुंदर लिखावट, कॉलीग्राफी का मतलब हो गया सुंदर लिखावट। अच्छा इसी में यदि हम बोलते हैं केकोग्राफी, खराब लिखावट, केकोग्राफी मतलब खराब लिखावट, आपको वर्ड याद है हम बताए थे यूलॉजी, यूलॉजी, यूलॉजी मतलब क्या होता है, किसी के बारे में अच्छा भाषण देना, यूलॉजी, हम बताए थे केकोलॉजी, किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलना, हम बोले थे यूफोनी, यू मीन्स अच्छा, फोनी मीन्स साउंड, इसका साउंड अच्छा और रेमी सुरीला, और हम बोले थे केकोफोनी, केकोफोनी मतलब खराब कर्कश, आपको बोले भी थे कौवा का आवाज यूफोनी है या केकोफोनी, केकोफोनी, और कोयल का आवाज यूफोनी सुरीला है, ये हम बताए थे, यू से तो बहुत यूटेंसिया बताए थे, उसके बाद यूफेमिज्म बताए थे, ठीक है, यूटेंसिया मतलब यूटेंसिया इच्छा मृत्यु, ठीक है ना, यूटेंसिया दैट मींस इच्छा मृत्यु, अच्छा मौत, यू का मतलब हम क्या बताए अच्छा, और थैंसिया दैट मींस मौत, अच्छा मौत, अच्छा मौत कौन सा हुआ, यूटेंसिया वो भी मौत तो कोई भी अच्छा नहीं होता है, बट वो यूटेंसिया हम लोग बोलते हैं इच्छा मृत्यु, ये हो गया कॉलीग्राफी दैट मींस सुंदर लिखावट, केकोग्राफी खराब लिखावट, और क्रिप्टोग्राफी मतलब क्या, राइटिंग इन कोड, कोड में लिखना, सरावट हो ही गया, ये सरावट लिख लिए, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए देखना का सरावट, देखना का मीनिंग पता है ना, जल्दी से देखना का वर्ड हम देख लेते हैं, फिर साइड करके आप कर लेते हैं, देखना का वर्ड पता है ना, देखिए आपको याद है, सी मतलब देखना, लुक मतलब देखना, वॉच मतलब देखना, सीन मतलब देखना, सीनीर मतलब देखना, पीर मतलब देखना, पीप मतलब देखना, ठीक है ना, ग्लिम्स मतलब, ग्लिम्स मतलब देखना, ग्लांस मतलब, ग्लांस मतलब देखना, हम बोले ओगली, ओगली मतलब देखना, गेज, जी ए जेड ई, जी गेज मतलब देखना, स्टेयर, एस टी ए आर ई, स्टेयर मीन्स देखना, हम बोले गैप, जी ए पी, गैप मतलब देखना, ग्लोवर, ग्लोवर मतलब देखना, ठीक है, देखिए क्या क्या वर्ड लिए हम, सी मतलब देखना, लुक मतलब देखना, वाच मतलब देखना, सीन मतलब देखना, सीन मतलब देखना, पीर मतलब देखना, पीप मतलब देखना, ग्लिम्स, ग्लांस, ओगली, गेज, स्टेयर, गैप, ग्लोवर, सारा का मतलब होता है देखना, कैसे, अब सबका यूज अलग है, ठीक है ना, सबका यूज अलग है, एक हम लोग एक पढ़ते हैं वर्ड, दूसरा पढ़ते हैं यूजेज ऑफ वर्ड, वर्ड का यूज कहाँ होता है, ठीक है ना, देखिए सी, सी मतलब देखना, तो सी का वर्ड हम लोग वहां करेंगे जहां देखने की सेंस में सिर्फ हमारा आंख काम करे, जैसे बोलेंगे व्हेन आई वाज क्रॉसिंग द रोड आई सॉ एन स्नेक, जब मैं रोड क्रॉस कर रहा था तो मैंने एक सांप देखा, ठीक है ना, जैसे बोलेंगे व्हेन आई वाज क्रॉसिंग द रोड आई सॉ एन ओल्ड मैन, मैंने एक बूढ़ा आदमी को देखा, ठीक है ना, तो दैट मीन्स ऐसे सेंस में जब हमने देखा तो सिर्फ मेरा आंख काम किया और कोई दूसरा चीज काम नहीं किया, तो ऐसे सेंस में जहां ही सिर्फ आंख काम करे वहां हम लोग क्या बोलते हैं, सी। लुक, जैसे आपको देखने के साथ कोई यदि बोल दे कि ही लुक्स लाइक हिज फादर, आप जो है अपने पिता की तरह दिखते हैं, वह जो है अपने पिता की तरह या फिर वह अपनी माँ की तरह दिखती है, ठीक है ना, तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, वो देखा फिर दिमाग लगाया कि मतलब इसके पिता भी ऐसे हैं, इसकी मम्मी भी ऐसी है, तो दैट मीन्स उसके अराउंड में मतलब उसका आंख भी काम किया, उसका दिमाग भी काम किया, तो जहां आंख और दिमाग दोनों काम करता है ऐसे सेंस में क्या बोला जाता है, लुक।
आप देखते हैं कभी भी टीचर ये नहीं बोलते हैं सी द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड बोलते हैं, बोर्ड को ध्यान से देखो, मतलब देखना भी है और दिमाग भी लगाना है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। वॉच, वॉच का मतलब जहां आंख दिमाग दिल सारा कुछ काम करने लगे, ठीक है ना, वैसे सेंस में बात। जैसे कि हम सपोज करिए मूवी देख रहे होते हैं या टीवी देख रहे होते हैं, सपोज करिए क्रिकेट क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं, आंख तो काम कर ही रहा है, दिमाग भी काम कर रहा है, कितना ओवर में कितना रन चाहिए जीतने के लिए, ये भी दिमाग भी काम कर रहा है, और दूसरी बात है दिल भी काम कर रहा है, और एक यानी समझिए पूरा क्रिटिकल कंडीशन है। ऐसे कंडीशन में मतलब इंडिया जीतेगा या हारेगा, वैसे में आपका कोई फेवरेट बैट्समैन जिसके ऊपर दारोमदार है मतलब टीम का, वही जीता पाएगा और वो चला गया आउट हो गया, दिल को टेस्ट लगता है ना, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, मतलब वॉच, जहाँ दिल दिमाग सब कुछ चले उसको बोलते हैं वॉच। सील, सील थोड़ा फनी का जैसे बोलते हैं सील देख के हम तुम्हारा भविष्य बता देंगे, सीर देख के जो हम तुम्हारा भविष्य बता देंगे, तो सीर, सीर मतलब क्या हो गया, भविष्य देखना, शरीर मतलब हो गया भविष्य देखना, लिख जाइए सीर मतलब भविष्य देखना। अगला वर्ड देखिए सिनीर, सिनीर मतलब क्या हो गया, देखिए ऐसे देखिए सीर मतलब हम लोग भविष्य देखें, सीर में ही सिर्फ एस के बाद क्या लग गया एन, देखिए ये वर्ड इस तरह के देखना हम हार्ट बार बार बोलते हैं, कैसा वर्ड बताए हुए भी है ना, लाइट, एल आई जी एस टी, लाइट मीन्स क्या होता है, लाइट, लाइट मीन्स प्रकाश, जानते हैं लाइट के पहले यदि हम पी लगा दिए फ्लाइट, फ्लाइट मतलब क्या होता है दुर्दशा, ऐसा हम साउंड करने हैं कितने बार बताए हुए, फ्लाइट, फ्लाइट मतलब दुर्दशा, लिखते जाइएगा सारा वर्ड जो भी आ रहा है, लाइट, एल आई जी एस टी, लाइट से पहले यदि हम डी लगा दिए डी ई, डी ई डी फॉर दीपावली, दीपावली में यदि हम लाइट जलाते हैं तो हमें डिलाइट मिलता है, डिलाइट मीन्स खुशी, डिलाइट मीन्स खुशी। तारक मेहता के उल्टा चश्मा से भी वर्ड बताए हुए थे रैप्सोडी, अपडेट, रैप्सोडी, रैप्सोडी मतलब क्या होता है, रैप्सोडी मतलब, रैप्सोडी क्या बताए थे, सोडी, सोडी जो है तारक मेहता के उल्टा चश्मा में वो हमेशा क्या रहता है, खुश रहता है, रैप्सोडी मतलब क्या हो गया, बहुत ज्यादा खुशी, ठीक। और अपडेट, अपडेट मतलब जिद्दी, जिद्दी का वर्ड बताया था याद है, देखिए जैसे हम बोले थे स्ट्रूबॉन, स्ट्रूबॉन, स्ट्रूबॉन मतलब क्या होता है, जिद्दी, हम बोले टीनेसिटी, टीनेसिटी मतलब क्या होता है, जिद्दी, अपडेट, अपडेट मतलब क्या होता है, जिद्दी, हम बोले एडामेंट, एडामेंट मतलब क्या होता है, जिद्दी, सबका मतलब जिद्दी, क्या बोले थे, स्ट्रूबॉन मतलब जिद्दी, टीनेसिटी मतलब जिद्दी, टीना सिटी आगे क्या बन गई, टीनेसिटी बन गई, जिद्दी बन गई, अपडेट, अपडेट मतलब क्या होता है, जिद्दी, एडामेंट मतलब क्या होता है, जिद्दी। अब देखिए ये वर्ड थोड़ा आप देखिए, हम अभी क्या बोले, स्ट्रूबॉन बोले ना एस टी यू डबल बी ओ आर एन, स्ट्रूबॉन बोले है ना, ध्यान दीजिए इसमें थोड़ा सा, इसी से वर्ड बना रहे हैं, एस यू बी ओ आर एन, सुबॉन, सुबॉन, सुबॉन मतलब क्या होता है, स्ट्रूबॉन मतलब जिद्दी, सुबॉन मतलब धोखा देना, सुबॉन मतलब देखिए सुबॉन मतलब धोखा देना, स्ट्रूबॉन मतलब जिद्दी। अब देखिए धोखा देना का हम वर्ड लिख रहे हैं, सुबॉन मतलब धोखा देना हो गया आपको, और एक चीट तो जान भी करते रहिएगा, चीट फ्रॉड ये सब तो बेसिकली होता है धोखेबाज होता है, सुबॉन। अब देखिए गुल, गुइल, जी यू आई एल ई, गुइल मतलब धोखा देना, बिगुइल, बिगुइल मतलब धोखा देना, धोखेबाज ऐसे भी समझ सकते हैं, हुड विंक एक धोखेबाज होता है, हुड विंक, हुड विंक, डिल्यूड, हाँ डिल्यूड सही वर्ड बोले, आपको बताया था ना ल्यूड, ल्यूड वर्ड एक रूट होता है, ल्यूड दैट मींस प्ले, प्रीलूड मतलब प्रीलूड, पोस्टलूड ऐसे मतलब बोलते हैं, यानी प्रोलॉग, एपीलॉग इस तरह का वर्ड हम लोग लॉग में पढ़े हुए थे, लॉग का उसमें भी पढ़ेंगे, आएंगे उस पर पढ़िए, और तो ल्यूड दैट मींस प्ले, ल्यूड दैट मींस प्ले होता है, कोई यदि आप ही के साथ खेल जाए क्या हो गया, ल्यूड हो गया, धोखा देना हो गया, ठीक है ना, सबका मतलब होता है आपको धोखा देना, ठीक है। अच्छा आप जल्दी से देख लीजिए इसको, सी, सीनियर मतलब क्या हो गया, सीनियर मतलब ध्यान से देखना, सीनियर मतलब, सीनियर मतलब, सीनियर मतलब ध्यान से देखना, नहीं 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 नहीं, सीर मतलब भविष्य देखना हुआ ना, सीर देखिए एन याद रखिए, एन लग गया इसमें, सीर मतलब
घृणा से देखना। आप बढ़िया अच्छा खासा मतलब 3-4 हजार का ड्रेस पहन के निकले हैं मार्केट, और तभी कोई मतलब घिनौना टाइप का पूरा मैला चला इंसान आपके सामने आ गया, तो आप कैसे देखिएगा उसको? घृणा से देखिएगा। वो क्या हो गया? सिनी। सिनी मतलब घृणा से देखना। पीर, पीर मतलब ध्यान से देखना, लिखिएगा। पीर, पीर मतलब ध्यान से देखना। पीप, पीप मतलब हो गया चुपके से झांकना। चुपके से यदि किसी को झांका जा रहा है तो क्या बोलेंगे? पीप, पीप। देखिए ग्लिम्स, ग्लांस दोनों का मतलब होता है एक झलक देखना। ग्लिम्स, ग्लांस। गेज मतलब बता रहे हैं, गेज पर जा रहे हैं, पहले यहाँ आइए। ग्लिम्स, ग्लांस। ग्लिम्स, ग्लांस मतलब होता है एक झलक देखना। हो गया ग्लिम्स, ग्लांस एक झलक देखना, ठीक है ना। देखिए ग्लांस, ग्लांस बेसिकली न्यूज भी होता है। ग्लांस न्यूज, जैसे ऐसा न्यूज जिसमें कि सारा झलक दिखाते जा रहा है सारा न्यूज का, ठीक है ना। एक झलक ये न्यूज, एक झलक, तो ग्लांस न्यूज हम लोग बोलते हैं। एक देखिए ग्लिम्स तो होता ही है, एक ग्लिमर्स मतलब इस तरह का साउंड होता है ना, जैसे बोलते हैं आई सॉ ए ग्लिमर्स ऑफ ह्यूमैनिटी, मैंने उसकी आंखों में मानवता की झलक देखी। आई सॉ ए मतलब ग्लिमर्स ऑफ ह्यूमैनिटी मतलब मानवता की एक झलक उसकी आंखों में देखी, ठीक है ना। तो ग्लांस, ग्लिम्स तो आप समझ चुके हैं इस बात को, एक झलक देखना। एक झलक आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे सपोज हम पढ़ा रहे हैं कोई दौड़ के यहाँ से निकल गया, तो दैट मीन्स हम तो उसको देख नहीं पाए, बट उसका हम एक ग्लिम्स देखे, एक झलक देखे, ग्लांस देखे, ठीक है ना। ऑगली गेज स्टेयर सबका मतलब होता है, ऑगली गेज स्टेयर सबका मतलब होता है एक टक देखना। एक टक देखना या घूरना ये भी बोल सकते हैं, एक टक देखना या घूरना। ओगली गेज स्टेयर इसका मतलब क्या होता है? एक टक देखना और घूरना, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, गैप, गैप मतलब हो गया आश्चर्य से किसी को देखना या हक्का बक्का होके देखना, ऐसे समझिए। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया? हक्का बक्का होके देखना। सपोज करिए आप किसी इंसान के बारे में मान मतलब ऐसा सोच चुके हैं कि वो मर गया, ठीक है, मर गया वो इंसान जो है, लेकिन आप चार लोग बैठे हुए हैं और वो आ गया, तो उस समय तो बहुत मतलब सरप्राइज मतलब हो के देखिएगा आप जो है कैसे ये आ गया, तो वो हो गया गैप, ठीक है। अब देखिए ग्लोवर, ग्लोवर का मतलब क्या होता है? गुस्से से किसी को देखना, गुस्से से किसी को देखना। ग्लोवर कैसे याद करेंगे? ग्लोवर को गुस्से से, हाँ गुस्से से किसी को देखना, ग्लोवर, ग्लोवर गुस्से से किसी को देखना, दैट मीन्स ग्लोवर, ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ देखते हैं, कर दो कंटिन्यू। ये कितना मिनट का हुआ?